यूपी के बदायूं में अगवा टीचर के बच्चे को पुलिस ने छुड़ा लिया है। पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोगों ने अपहरण कर दूसरे गैंग को बेच दिया और फिर बच्चे को जब तीसरे गैंग को 15 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी तभी पुलिस की मुस्तैदी से बच्चे तक पुलिस पहुंच गई। बागपत जिला अस्पताल में सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने से नाराज मरीजों और उनके घर वालों ने जबरदस्त हंगामा किया। लोगों ने अस्पताल के स्टाफ और गार्ड के साथ मारपीट की जिससे नाराज डॉक्टरों ने अस्पताल में कामकाज ठप कर दिया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। बुलंदशहर के अभयपुर में एक पिता ने अपने 3 बच्चों समेत खुद जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की जिसमें पिता और एक बेटे की मौत हो गई जबकि 2 बेटियां अभी भी मेरठ मेडिकल कॉलेज में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। बागपत की बड़ौत तहसील में गन्ने के भुगतान की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने जमकर हंगामा किया। गन्ना समिति के चेयरमैन धूम सिंह की किसानों ने पिटाई कर दी। उसके बाद 2 किसानों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन वहां मौजूद लोगों ने किसानों को रोक लिया। किसानों ने तहसील में भी तोड़फोड़ की। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन से 1 6 साल की बच्ची संदिग्ध हालात में लापता हो गई। बच्ची के घर वालों के मुताबिक वो अपने रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने आए थे तभी अचानक उनकी बच्ची गायब हो गई। पुलिस ने बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के सामने एक बेटी ने अपने पिता के खिलाफ उसे सजा दिलाने के लिए गुहार लगाई है। लड़की का आरोप है कि उसके पिता ने उसकी मां और उसके भाई बहन को जहर देकर मार डाला। ये लड़की विधायक नरेंद्र कुमार के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। पंजाब के रोपड़ में सरकारी अस्पताल से एक नवजात बच्चा चोरी हो गया है। चोरी का आरोप एक महिला पर है। चोरी हुए बच्चे के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस समेत कैश बरामद हुआ है। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। बिजनौर के एक गांव में राशन की दुकान पर चुनाव को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव, लाठी डंडे और गोलियां चली जिसमें एक गोली प्रधान के बेटे को लगी जबकि 9 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। मथुरा के एक कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि रैगिंग के दौरान बात नहीं मानने पर आरोपी छात्र उसे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देते थे। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।